नंबर्स थे, देखे तुमने? 2+3 5 होते हैं, ये मेरा लकी नंबर है। हाँ, मजाक मत करो, तुम्हारे लिए ट्रैफिक जाम क्या चीज है, उसे भी क्लियर करके आ जाते ना। अरे अरे, गुंडागर्दी मैंने छोड़ दी, और वैसे भी तुम्हारे बिना मुझे हिम्मत कहाँ से मिलेगी, इसीलिए बड़े सब्र से चुपचाप अपने गैराज में शांति से बैठा रहा। अच्छा ये बताओ, मुझे मिस किया था? यस। कितना? इतना सारा। अरे संभालो संभालो, हम गिर जाएंगे। क्या हुआ, स्पीड ब्रेकर है तो रुको। लव ब्रेकर आ गया, वो देखो। और कब करोगे, कल ही तो विजयादशमी है। कब तक उन्हें देखकर डरते रहोगे? डरता नहीं हूँ, इज्जत करता हूँ। आज तो जाके तुम्हें बात करनी पड़ेगी, जाओ जाके मेरा हाथ मांगो, जाओ। अरे यार कई बार मांग चुका हूँ। कितना झूठ बोलते हो तुम, गुड मॉर्निंग मास्टर ये बोल के ना वापस आ जाते हो। पता नहीं क्या हो जाता है, शेर के सामने बब्बर शेर बन जाता हूँ, लेकिन मास्टर जी के सामने आ जाने से अचानक मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। अगर आज तुमने जाके बात नहीं की ना तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हमेशा के लिए तुम्हें भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा सोचकर कब तक ऐसे घूमते रहेंगे, इतने बड़े हो चुके हो तुम। अरे अभी तो कौला हूँ। सही कहा, तुम तो अभी भी कहाँ बड़े हुए हो, जिंदगी भर डुएट्स गाते फिरना, लेकिन मेरी उम्र निकलती जा रही है, मुझे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने और उनके साथ खेलना है, समझे? अरे तुम जिस स्कूल में पढ़ाती हो वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उनके साथ खेल लो। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मुझे अपना बच्चा चाहिए। अरे तो तुम्हारे सामने ये मर्द खड़ा है, लो अभी बच्चा ले लो। तुम मर्द हो वो मैं जानती हूँ, तुम्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं है, जाओ। अब क्या हुआ? अरे मास्टर जी हमेशा भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। तुम मुझे जानते हो ना? बहुत अच्छे से। तो फिर मेरे लिए जाकर अच्छे से बात करो, ठीक है? ये पकड़ो, पहने रखो, आंखों में डर नहीं दिखना चाहिए। अरे कोई डर वर नहीं है, कुछ नहीं दिखेगा, ये लो। हिम्मत से आगे बढ़ो, अपनी दिल की बात बताओ, सीना तान के जाओ, तेज चलो। चलता हूँ मास्टर जी। नमस्कार मास्टर जी। कौन हो तुम? मैं आपका स्टूडेंट मास्टर जी, नरसिम्हा। याद नहीं आ रहा? 5वीं कक्षा तक मैं आपके पास ही पढ़ा था मास्टर जी। अरे कहा ना, याद नहीं आ रहा है। ओ, कोई बात नहीं मास्टर जी। हे भगवान। सुनो। जी मास्टर जी। वैसे यहाँ किस लिए आए थे? मैं आपकी बेटी से। मेरी बेटी से? मैं आपकी बेटी से पूछने आया था कि क्या वो गाँव से आ गई, यही पूछने आया था मैं। इसकी तो उसके आने का वक्त हो चुका है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे सर? आपकी बेटी की गाड़ी को रिपेयर करा लो, मैं यहाँ का बहुत मशहूर मैकेनिक हूँ, इस एरिया की छोटी बड़ी गाड़ियाँ सब मैं ही रिपेयर करता हूँ, इसीलिए आपकी बेटी से। मेरी बेटी के पास गाड़ी नहीं है। सर आपकी गाड़ी रिपेयर करनी है क्या? मेरे पास भी नहीं है। तो फिर जब नई गाड़ी लोगे तो रिपेयरिंग की जरूरत तो पड़ेगी ना, उसकी रिपेयरिंग का काम सर मुझे ही देना, अच्छे से रिपेयर कर दूंगा। चलता हूँ मास्टर जी। इधर देखो, क्या बोलकर आए हो तुम? मास्टर जी देख लेंगे, चलता हूँ। नरसिम्हा तूने इसका बुरा हाल करके बहुत अच्छा काम किया भाई। सीट भी यहाँ से जा चुकी है। हार नहीं गई एमपी सीट, इस इलेक्शन में नहीं मिली तो अगले इलेक्शन में मिल जाएगी, लेकिन हजारों करोड़ों की जायदाद में रहने वाले सेंट्रल मिनिस्टर के इकलौते दामाद होने का बोझ तुम्हें अगले जन्म में भी नहीं मिलने वाला। तो उस लड़की से पहले शादी तो कर ले, फिर उस नरसिम्हा की मौत तो तय ही है। बीच रास्ते पर उसने तेरी बेइज्जती की, इसलिए चारों दिशाओं में उसके मौत की चीख सुनाई देनी चाहिए। चलो, ए रंगा। हाँ भाई। क्या कर रहा है तू? अरे गियर बॉक्स रिपेयरिंग कर रहा हूँ, एक घंटे में हो जाएगा। 68 का पाना चाहिए, कब से मांग रहा हूँ मैं। 68 का पाना नहीं है सर। मंगा। गोडाउन में नए 68 पाने का पैक होगा, जल्दी लेकर आ। 68। ऑनर सर, 68। ये लीजिए, लेट हो गए। सॉरी। क्या है ये 68 है? मैं बताती हूँ सर। मंगा। मंगा क्या कर रही हो ये?
छोटा सा 6-8 का पाना मांगा तो 68 बड़े बड़े सामान गिरा कर आई हो तुम यहाँ। सॉरी ऑनर सर। क्या सॉरी? वेरी सॉरी ऑनर सर। ऐसे कितनी बार कर चुकी हो तुम? पता नहीं, कभी गिनती नहीं की। हमें तुम्हारी यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं। जाओ यहाँ से। ऐसा मत कीजिए। क्या कर रही? उठ जा। मुझे क्या गिरने पड़ने के अलावा कोई काम नहीं आता? मैं कहीं और काम नहीं करूंगी। अच्छा क्यों? मुझे पढ़ाया लिखाया आपने, मुझे नौकरी भी आप ही ने दी, मेरे लिए रिश्ता भी देखा आपने, शादी भी आप ही करवाओगे, मेरी जिंदगी संभालने वाले आप ही हो, पूरी जिंदगी में मेरे पास एक ही ऑनर रहेंगे वो है आप। ये भूत बन के क्यों घूम रहा है? शायद फिल्मों में भी एक्टर्स इतने रूप बदलते नहीं होंगे जितनी ये मंगा मुझसे करवाती है। मेरा हफ्ते में दशावतार होता है, लगता है विश्व रूप लेना पड़ेगा। भैया मेरी शक्ल देखो भैया, कीचड़ से मुंह धो के आ रहा है क्या? कीचड़ नहीं है भैया, मंगा ने 10 कप कॉफी से अभिषेक कर दिया। अरे क्या भैया, इसीलिए तो तुम सबको कभी कभी कॉफी, टी, सिगरेट, ब्रांडी भी मिलाकर मांडवली कर देती हूँ। इन लोगों से मांडवली करने की बात कर रही हूँ, यहाँ इतना सामान जो तोड़ दिया उसकी मांडवली कौन करेगा? इस गैराज का सिर्फ मैं अकेला मालिक नहीं हूँ, जानती हो ना? जानती हूँ। क्या जानती हो? फर्स्ट ईयर टेम्पररी, सेकंड ईयर परमानेंट, थर्ड ईयर पार्टनर, मुझे यहाँ 4 इयर्स हो चुके हैं। 4 इयर्स हिसाब करेंगे तो 1 महीने की पगार भी नहीं मिलनी चाहिए ना? अबे तेरी तो, तू बाहर तो आ, तेरे क्वार्टर में जमा कोटा मिलाकर अगर तेरी वार्ड ना लगाई तो मैं अपना नाम जल दूंगी। अबे ये क्या था? ये मेरी वॉइस नहीं थी भैया, मंगा की माइंड वॉइस थी। अच्छा तो इतना बोलती है? आपको देखकर सीधी बनती है भैया, पूरे शहर को बेच सकती है ये, बहुत बड़ी खिलाड़ी है। अच्छा थोड़ा सा, चलो जाओ। अरे चलो चलो चलो, सब अपना अपना काम करो जल्दी, सारा सामान ठीक से रख के अपने अपने काम पे लग जाओ। मंगा ये लीजिए। एक बात सुनो, ओनर की इज्जत करना अच्छी बात है लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए, ठीक है? ए बटले जरा साइड हट। भैया अगर तुम्हें ऋण चाहिए या फिर पाना चाहिए, रंगा कहकर मुझे बुलाओ मैं आ जाऊंगा, लाला कहकर बुलाओ वो आ जाएगा, या फिर इस बटले को बुला लिया करो, लेकिन मंगा कहकर मत बुलाओ भैया, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ ठीक है चलेगा, थैंक्स भैया। आइए समझी जी, अकेला मैं ही नहीं हूँ, इसके नॉमिनेशन के लिए कुत्ते की तरह घूम घूम कर गली गली में भीख मांग कर लोगों के हाथ पैर छोड़े। अब अगर मैं ये शादी के कार्ड लोगों में बांटने जाऊंगा तो लोग मेरे पर थूकेंगे, इसलिए शादी की सारी पत्रिकाएं मैंने जलाकर राख कर दी। ये कुछ सैंपल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेटे के नाम के आगे MP कहकर प्रिंट करवाया है। हाँ अब इन सबको अच्छे से फ्रेम करवा कर पूरे घर की दीवारों पर लगवा लो। हे चलो गाड़ी निकालो, एक पल इस घर में और खड़ा रहा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। नरसिम्हा तुम मेरी बेटी के लिए भगवान नरसिम्हा हो, मेरा समय अच्छा था जो इनकी औकात पता चल गई। तुम्हारी तस्वीर लगाकर पूजा करूंगा। तुम सबके रिएक्शंस देखकर पता चल रहा है कि 3 बैग अंदर जा चुके हैं, अब तुम सभी सच उगलोगे। चलो शुरू हो जाओ, इस इलाके में मेरे बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं? इंद्र और चंद्र तुम्हारे आगे 0 है भैया, लोगों की नजरों में तुम ही हीरो हो, तुम अमरावती के किंग हो, किंग भैया। उसको ज्यादा हो गई, बस कर। भैया भैया मैं एक बात बोलूं? बोल। आप एक गुंडे हो। करेक्ट। मैकेनिक गुंडे हो। ए उसको डाल रहे। थैंक यू। फैक्टनिस्ट हो, साइक्लिस्ट भी हो, पर लम्बे वेस्ट हो। ए उसका ग्लास छीन ले तो। पर मैंने तो सच कहा है भैया। गौरी। हाँ गौरी। हाँ भैया, आपके कहे मुताबिक घर का कलर बदल दूंगा, कार्टन्स भी नए लगा दूंगा, खिड़कियाँ भी नए बनवाऊंगा और स्लैब भी बनवा दूंगा। तुम सब कितने पानी में हो मैं जानती हूँ, इसलिए ओवर एक्टिंग मत करो। भैया आप दोनों बात कीजिए, हम लोग बाद में आते हैं। बैठ जाओ, यहाँ कोई लव सीन नहीं होने वाला है, सिर्फ फाइट सीन होगा। कांग्रेस भैया। किस लिए? फाइट सीन होगा तो पक्का आप ही जीतोगे। सही बोला, उसे डाल दो। थैंक्स गोरी। ये क्या है? क्या ये? देख लो तुम्हारे नाम से कितने कंप्लेंट्स है, जरा देखो तो। अरे रे, मैंने तो कोई गुंडागर्दी नहीं की गौरी, सब कुछ छोड़ दिया है गौरी, ये कहकर नाटक करते थे ना, अब बताओ मुझे। सब झूठ है गौरी, भैया के बारे में सब झूठ बोल रहे हैं। बस करो, ये तो छोटा बच्चा है, सच बोलेगा, शक्ल तो देखो। गौरी सच बोल रही है, पुलिस स्टेशन में भैया के नाम पर 6 कंप्लेंट्स है लेकिन किसी की भी FIR दर्ज नहीं हुई है। थोड़ी सी ले लूं क्या? नहीं, ऑलरेडी तुम्हारी जबान नड़खड़ा रही है। ये देखो, बीच सड़क पर तलवार से एक का हाथ काट दिया। किस लिए काटा है ये भी जानना जरूरी है ना? मुझे अगर ड्रिंक नहीं भी मिलेगी तब भी मैं सच ही बोलूंगा। एक गुंडा बाइक से सब्जी खरीदने वाली एक औरत के गले से चेन खींच कर भाग गया, उसका गला कट गया और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। ठीक है वो सब छोड़ो, और इसके बारे में बताओ। ये क्या है?
तुम कार में जा रहे थे, तुमने एक आदमी को पकड़कर सीधा उसे एक खंभे पर पटक दिया, उसका सर फूट गया, अब वो हॉस्पिटल में है। उसकी माँ ने कंप्लेन की है। कंप्लेन तो की है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। क्यों नहीं दर्ज की है? उसने क्या किया पता है? एक लड़की ने उसे प्यार करने से मना किया तो उस लड़की के चेहरे पर सारे आप उसने एसिड फेंक दिया। वो लड़की अभी हॉस्पिटल में है। मुझे ना कहकर किसी और को चाहती है? जा, जाकर उसी से शादी कर ले। ऐसे में उसे मारा तो क्या गलत किया? मेरे मुँह से तो उसके लिए गाली निकल रही है। ओवर एक्टिंग करके मेरा हिस्सा मत पी। उसे वैसे ही मरने दो। ये बताओ ट्रक को क्यों जलाया? तुम डर क्यों गए? तुम तो हीरो हो बॉस, आई विल हैंडल द केस। गौरी, उस ट्रक में क्या था जानती हो? हॉस्पिटल में सप्लाई होने वाली डुप्लीकेट दवाइयां थी, एक्सपायर्ड एक्सपायर्ड। ये देखो भाई, पेट्रोल डाल उसमें। उन दवाइयों की वजह से कितने लोग मारे जाते जानती हो? लेकिन अब सिर्फ ट्रैक ही तो जला है, और क्या? और मार्केट में झगड़ा क्यों किया तुमने? ये आपका मैटर था गौरी? मेरा मैटर? हाँ, आपको छोटे बच्चों से प्यार है ना? हाँ। उन छोटे बच्चों के हाथ पैर तोड़कर उन्हें अंधा बनाकर रोड पर भीख मंगवाते थे वो लोग, उनकी मदद के लिए ये सब किया गौरी। छी, ऐसा कोई कर भी कैसे सकता है? ये लोग ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? मासूम बच्चों के साथ ऐसी हैवान। ये बताओ तुम ये सब क्यों करते हो? पुलिस नहीं है क्या, या कोर्ट नहीं है? है लेकिन नहीं है। टेंशन क्यों लेती हो, दुबली हो जाओगी। ए, एक फ्रेश ग्लास है ना? फ्रेश है भैया। गौरी, आजकल लड़कियां भी पीती है, तुम भी एक बैग लगा लो। हाँ दो। अरे मजाक कर रहा था। अरे क्या हुआ, दो ना। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं नहीं, अरे भाई लोग, इधर सीन चेंज हो रहा है। चलो चलो चलो, ये तो मुझे माफ कर दीजिए पापा, इतनी बेरहमी से बेइज्जती होने के बाद दुनिया में हर रोज मरते मरते जीना मुझसे नहीं होगा, लेकिन मेरी मौत जिसकी वजह से हुई है उसकी मौत होने तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपका प्यारा बेटा रवि। ए, बाहर क्या खड़ा है, अंदर चल। यार इतने कैसे हमेशा लेट आता है, टाइम क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं? नमस्ते। अरे हाँ सर, नमस्ते नमस्ते, आइए। मंगा रुको बेटा, माँ इसकी नजर उतारी। मंगा पर किसकी नजर पड़ेगी जो नजर उतार रही हो? मेरी नजर है यार, क्योंकि मंगा को इस तरह सर झुकाते हुए कभी देखा नहीं है। अभी तक भाई क्यों नहीं आया? गौरी भी साथ आई है ना, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा लेट हो ही जाएगा। लेट भी आए तो कोई परेशानी नहीं है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। नरसिम्हा भैया एक बार मंगा को बुलाएंगे तो वो दूल्हे को धक्का दे देगी, पंडित जी को लात मार देगी, मंगा सूत्र कचरे पेट में फेंक देगी और बाकी सबका हाल बुरा हो जाएगा। जाओ 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 तुम्हारे, जाओ जाओ। आज रहने दो ना, फिर कभी बात कर लूंगा। आज मंगा की शादी में जाना है। उसकी शादी के लिए टाइम है, अपनी शादी फिक्स करके ना उसकी शादी में दोनों मिलकर जाएंगे, पहले जाओ। अभी स्टाइल क्यों चाहिए? स्टाइल नहीं है, आंखों की घबराहट दिखनी नहीं चाहिए ना उसके लिए। डरना मत, क्लियरली अपनी दिल की बात करना। हाँ ओके गो, आग लगा दूंगा देखना। ओ, पहले जाकर बात तो कर लो। मास्टर जी, नमस्ते। मास्टर जी कैसे हैं? मास्टर जी ठीक हूँ, तुम कौन हो? नरसिम्हा, आपका स्टूडेंट, पांचवी पांचवी कक्षा में आपके पास पढ़ा था, याद आया? हाँ हाँ हाँ, याद आया। लेकिन तुम मेरे पास पढ़े हो ये याद नहीं है, पर तुम एक मैकेनिक हो जानता हूँ, मेरे घर आए थे ना? हाँ मास्टर जी। मास्टर जी आज मैं आपसे एक चीज मांगूंगा, गुस्सा मत करना प्लीज। बोलो। आपकी बेटी से? हाँ, जब वो गाड़ी खरीदेगी तो बता दो। वो बात नहीं है मास्टर जी, आपकी बेटी से मैं। मेरी बेटी से? सीधे ही पूछ लेता हूँ मास्टर जी। पूछ ले, खुल के पूछो ना यार। सीधे ही पूछना चाहता हूँ कि गाड़ी कब खरीदेगी? तो जाकर पूछ लो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, वो भी रोड पर पागल कहीं। ओम
ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दुल्हन के सिर पर पान सुपारी रख दीजिए। पंडित जी ये पान सुपारी वगैरह कुछ नहीं, ऑनर सर अभी तक आए नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। इंतजार कीजिए। जरा अपनी शक्ल तो देखो, गांव में शेर और घर में बिल्ली बने घूमते हो। नरसिम्हा, तुम्हारी मेहरबानी से मेरा रास्ता साफ हो गया। एमपी तो बन चुका हूँ, अब सीएम भी बन जाऊंगा। अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ए बुड्ढे, इसे कहो पहले मेरे पापा से बात करे, या फिर तुम खुद जाकर मेरे पापा से बात करके हमारा रिश्ता फिक्स कर दो। नरसिम्हा लवर है, इसकी जुबान और दिमाग दोनों बहुत तेज है, जरा संभल कर रहना। पकाना बंद करो, निकल यहाँ से। हम लोग फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स। तू गाड़ी आगे बढ़ाना, जल्दी चल, संभल कर। उससे जरा ठीक से बात करो ना। ठीक है। हाँ रंगा, हम रास्ते में ही हैं। आशीर्वाद से तेरी शादी हो रही है ना, तेरे गले में मंगलसूत्र पड़ने से पहले तेरा गला ही काटे। छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप हमें छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। ओए मत